राजधानी जयपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए परकोटा क्षेत्र के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान एक निश्चित समय सीमा में खोलने और बंद करने का निर्णय लिया है। साथ ही सप्ताह में एक दिन का अवकाश भी तय किया है। इसके लिए रविवार को होने वाली जयपुर व्यापार महासंघ और हवा महल व्यापार मंडल के पदाधिकारी वर्चुअल मीटिंग में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हम जयपुर व्यापार महासंघ की ओर से कल रविवार को 13 तारीख को दोपहर 12:15 बजे बीसी के माध्यम से सभी बाजारों के अध्यक्ष और मंत्री और वहाँ के प्रतिनिधि के साथ हमारी एक मीटिंग का आयोजन है। उस मीटिंग में बाजार में जो अभी संक्रमण बढ़ रहा है इसको कैसे रोका जा सकता है, इस कड़ी को कैसे तोड़ा जा सकता है, सुबह कितने बजे खोलना चाहिए और शाम को कितने बजे मंगल करना चाहिए, यह एक विषय मेन है। साथ ही एक सप्ताह में एक छुट्टी या दो छुट्टी के विषय में भी हम विचार करेंगे। उसमें हम बराबर हम व्यापारियों को भी समझाइश कर रहे हैं कि बिना मास्क के दुकान में प्रवेश किसी को ना हो। अगर कोई आता है तो उसको हाथ जोड़ के कहिए कि भाई आप लगाइए, नहीं तो हम अलाउ नहीं करेंगे। कल हम लोगों की मीटिंग है, उसके लिए हमारा यही है कि बाज़ार को सुबह से लेकर शाम को कितने बजे तक खोलना है, कितने बजे तक करना है और सप्ताह में एक दिन या दो दिन छुट्टी रखनी है, उसी के तहत हमारी सारी मीटिंग है। इस और सारे व्यापारियों से हमने बातचीत करी है और हर व्यापारी इस बात में राजी है। समय की सीमा निर्धारित कर दें, सुबह 9 बजे 10 बजे के बाद में शाम को 7 बजे तक ही हम इसको रखें या 6 बजे तक रखें या 7:30 रखें, किसी तरीके से व्यापारी को राहत देने का प्रयत्न करें। अगर व्यापार जिंदा रहेगा तो इकोनॉमी चलेगी। तो इसी को लेकर हमारी मीटिंग है कि भाई एक टाइमिंग तय कर दें, सुबह इतनी बजे खोलनी है और इतनी बजे मार्केट को बढ़ाना है।